सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। दिल्ली आज भले ही देश की राजधानी, लेकिन एक वक्त था जब यह मुगलों का गढ़ हुआ करती थी। यहीं से मुगल पूरे देश पर राज करते थे, इसलिए इस राज्य में उनसे जुड़ी कई चीजें, कुछ सबके सामने हैं तो कुछ आज भी कहीं जमीन में दफन है। ऐसी ही एक दफन सुरंग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मिली है, जो लगभग 700 साल पुरानी बताई जा रही है। तो चलिए आज आपको इस वीडियो में बताते हैं कि ये सुरंग किस मुगल राजा से जुड़ी हुई है। ये सुरंग दिल्ली के चिल्ड्रन म्यूजियम के सामने 2 साल पहले मिली थी। दरअसल इस म्यूजियम के सामने एक सड़क बननी थी, जब इसकी खुदाई चल रही थी तो इसी दौरान यहाँ एक सुरंग होने का पता चला, और फिर इस काम को रोककर सुरंग का पता लगाने का काम शुरू हो गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस सुरंग को बेहद खास बता रही। उसका कहना है कि इससे दिल्ली का वो इतिहास जुड़ा है जिसे जानना बहुत जरूरी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ये सुरंग खिलजी वंश के समय की, यानी इसे लगभग 13वीं शताब्दी में इस सुरंग पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसर्च कर रही और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये सुरंग कितनी गहरी और कहां तक जाती। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मानना है कि जैसे जैसे इस सुरंग के आगे का रास्ता पता चलेगा, वैसे वैसे इससे जुड़े कई और भी रहस्य सामने निकल कर आएंगे। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि दिल्ली में इस तरह की सुरंग का मिलना बड़ी बात नहीं है, ये कई राजाओं की राजधानी रही, ऐसे में यहाँ इस तरह की चीजें पहले भी मिलती रही और आगे भी मिलती रहेंगी। आपको बता दें कि इस दिल्ली में कई इमारतें ऐसी हैं जो दशकों पुरानी, और अगर उन पर रिसर्च किया जाए तो इतिहास से जुड़ी कई चीजें सामने निकल कर आ सकती हैं। खबरी चौखट की रिपोर्ट।